ऑलराइट बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट वन नेशनल इनकम का और यूनिट टू दोनों भी हम लोग ये सेशन में रिवाइज करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो जो हमने पहले पॉइंट सीखे थे, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो ये साल में एक बार निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से नेशनल इनकम को निकाला जाता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय तीन मेथड्स दिमाग में रखने हैं। कौन से तीन मेथड्स? फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड एंड देन इनकम मेथड। बट ये तीनों भी मेथड में आपको नेशनल इनकम निकालते समय आपको तीन बेसिक फॉर्मूलेज कहीं ना कहीं दिमाग में रखने होंगे, राइट। कौन से तीन बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं? फर्स्ट इज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट अमाउंट निकाला तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सेकेंड, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो जो चीज का जो बेस प्राइस होता है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट में उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। 1000 रुपए का अगर पिज्जा है उस पर अगर 18% जीएसटी लग रहा है सपोज एग्जाम्पल, तो क्या होगा? उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो चीज महंगी होती है तो सब्सिडी से वो चीज सस्ती होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है, सब्सिडीज को माइनस करना है। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। लास्ट, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जब भी नेशनल बोलते तो इंडिया का पर्सन अगर है तो कहीं पे भी जाके पैसा कमाओ वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, ठीक है। इंडिया का पर्सन यूएसए में जाके पैसा कमा रहा है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है, चाइना में जाके कर रहे हैं वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग पर्सन पे फोकस करें, इंडियन पर्सन का इनकम वो नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेशनल जब भी हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ वही लिखा है कि इंडियन रेसिडेंट्स आर कवर्ड इन द टर्म नेशनल, ओके। तो ये इंडिया में कमाओ चाहे इंडिया के बाहर कमाओ, अगर इंडियन रेसिडेंट्स ने कमाया तो नेशनल में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक में क्या आएगा? डोमेस्टिक में हम लोग इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक में हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव कब होगा? जब बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है। और निगेटिव कब होगा? इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है, राइट, ठीक है। चलो, सो ये तीन बेसिक फॉर्मूलेस थे बच्चों। तीन बेसिक फॉर्मूलेस के बाद में हम लोगों ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। इफ यू कैन रिमेंबर एंड टेल मी जीडीपी एग्जैक्टली क्या होता है? जीडीपी मतलब एक साल में इंडिया के टेरिटरी में कितने गुड्स बने, कितने सर्विसेज रेंडर हुए, उसका हम लोग एग्रीगेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस के हिसाब से निकलता है, बराबर। जब भी जीडीपी निकालोगे तो आपको कुछ खास प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, जैसे कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सिर्फ वैल्यू एडिशन कंसिडर करना है। हमें क्या करना है? हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हुआ है उतना ही कंसिडर करना है, या फिर हर एक स्टेज का वैल्यू ऐड को एग्रीगेट करो, या फिर फाइनल गुड्स का अमाउंट लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। डबल डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे फोकस करें, ठीक है। अगर ब्रेड मैंने बेचा है बट ब्रेड बनाने के लिए मैंने वीट को परचेज किया है तो वीट के प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो मेरा कॉस्ट हो गया। अगर मैं ब्रेड सेल कर रहा हूँ, ब्रेड के लिए पहले वीट परचेज किया तो वो माइनस करो, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन निकलेगा, राइट। ऐसे हर स्टेज का वैल्यूएशन आपको ऐड करना है तो आपका जीडीपी निकलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? डबल काउंटिंग को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए, सही बात है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जीडीपी निकालने के लिए हम लोग सारे गुड्स को कंसिडर नहीं करते हैं, कुछ सेलेक्टेड गुड्स को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा हर एक चीज का हिसाब जीडीपी में जोड़ना, राइट, ठीक है। इसमें और क्या आता है? सेल्फ कंजम्पशन को भी हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। अगर कोई फार्मर है, उसने कोई चीज उगाई है, खुद कंज्यूम कर ली है, तो वो भी हम लोग जीडीपी में ऐड करते हैं। सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में मेन फोकस किस पे है? प्रोडक्शन पे, राइट, प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हॉबीज या हाउसकीपिंग को इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं खुद को खुश करने के लिए गाना गा रहा हूं, इन दैट केस मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, जो चीज से आप पैसा नहीं कमाते हो वो जीडीपी में नहीं आया था। हाउसवाइफ का पैसा मिलता ही नहीं हाउसवाइफ को, तो नहीं आएगा, ठीक है। मेड को हमने सैलरी दिया है वो आएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, बराबर। सिर्फ एक साल का हिसाब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जीडीपी में क्या क्या नहीं आएगा? ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब अगर एक के पॉकेट से पैसा निकला और दूसरे के पॉकेट में पैसा गया और ये पूरे प्रोसेस में ना तो गुड्स बन रहे हैं ना सर्विसेज रेंडर हो रहे हैं, उसको ट्रांसफर पेमेंट का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल इज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस,
पेंशन ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट में आता है, ठीक है, इसको हटा दो, नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि इससे कंट्री का कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बराबर। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैंने सपोज किसी फ्रेंड को लोन दिया, उसने दो दिन में मेरे को लोन वापस रिटर्न भी कर दिया, तो लोन दिया है और लोन वापस मिल गया, इससे कंट्री का कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अगर इंटरेस्ट में कमा रहा हूं तो ऐड करो जीडीपी में, ठीक है, बट लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को वापस मिल रहा है, मेरा ही पैसा वापस मेरे को मिल गया, इसको कंसिडर नहीं करता। सुबह बैंक में जाके पैसे जमा किया, शाम को एटीएम से विड्रॉ कर लिया, इसको भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसको भी हटा दो, इससे जीडीपी पे कुछ असर नहीं होता है। प्लस इल्लीगल ट्रांजैक्शंस को हम लोग जीडीपी से हटाते हैं, इसको हम लोग बैड्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एवरी इल्लीगल ट्रांजैक्शन मस्ट बी इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, राइट। चलो बच्चों, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट अभी क्या करना है बताएं, नेक्स्ट अभी दो टर्म्स और आपको बता रहा हूं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है रियल जीडीपी, ठीक है। एक है नॉमिनल जीडीपी एंड सेकेंड इज रियल जीडीपी। इफ यू कैन रिमेंबर एंड टेल मी क्या होता है ये नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या कहते हैं, करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना क्या मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर के चीजों की कीमत कितनी है, ठीक है। हम लोग करंट ईयर का प्राइस लेते हैं और करंट ईयर का प्रोडक्शन लेते हैं, उससे नॉमिनल जीडीपी निकलता है। नॉमिनल जीडीपी से कभी कभी हो सकता है कि आपको गलत पिक्चर दिख रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि महंगाई बढ़ने के चक्कर में आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, इस साल 90 को ही पढ़ाया, फिर भी मेरा इनकम ज्यादा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने फीस बढ़ा दिया, ठीक है। तो बच्चों नॉमिनल जीडीपी से बहुत बार गलत पिक्चर दिखता है, इसलिए हम लोग रियल जीडीपी पे फोकस करते हैं। रियल जीडीपी क्या करता है, बेस ईयर का प्राइस लेता है और करेंट ईयर का प्रोडक्शन लेता है, मतलब प्राइस को चेंज नहीं करा है, हमारा एम्फोसिस है प्रोडक्शन पे। अगर आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है तो आपका रियल जीडीपी बढ़ेगा, कम किया तो कम हो जाएगा, सही है। तो यहाँ लिखा है कि ये रियल ग्रोथ को कैलकुलेट करता है, हम लोग यहाँ फिजिकल आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है। तो ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको ये सिखाया था नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, बराबर। एग्जांपल भी नीचे लिखा हुआ है, 2016 में 10 लाख का प्रोडक्शन किया, 2017 में 20 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, डबल हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो समझेगा कि पहले 10,000 यूनिट्स बना रहा था, अभी सिर्फ 5,000 बना रहा है, तो ये डबल कैसे हो गया, बिकॉज 100 का 400 पे बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ गई प्रोडक्शन कम हो गया, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रियल जीडीपी से समझेगा कि इसकी हालत क्या है, कितने पानी में है, राइट। चलो बच्चों, हैविंग सेड दिस, अभी मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं, अंडरस्टैंड, ट्राई टू फोकस। सी, मैं डायरेक्टली यहां आता हूं, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरी बेसिक पॉइंट, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी होता है। नेशनल इनकम मतलब क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमें ये चीज निकालना होता है, ठीक है। अगर सपोज जीडीपी से आपको एनएनपी एफसी निकालना है तो आपको बहुत सारे प्रोसेस को तो जाना पड़ेगा। If you remember, if you still remember those three formulas, you can easily calculate each and every part. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, देख लो अच्छे से। If you can tell me year, बच्चों बताओ ना इसको कैसे बनाओ, GDP at market price है, GNP at market price, कैसे करना है। अगर मेरे को GNP at market price निकालना है और मेरे पास GDP at market price है, how do I complete this formula? ये है national, ये है domestic. National is equal to domestic plus net factor income from abroad. Easy है, ठीक है। अच्छा, अगेन कैन यू टेल मी, अगर मेरे को एनडीपी एमपी निकालना है और मेरे पास जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी आगे क्या करूं बताओ, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, मेरे को एनएनपी एमपी निकालना है और मेरे पास एनडीपी एमपी है, नाउ हाउ डू आई प्रोसीड, अगर मेरे को इसको इक्वेट करना है एनडीपी एमपी से, बताओ आगे क्या करो, ये क्या है नेशनल, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अच्छा, सिमिलर लाइंस पे बच्चों, अगर मेरे पास जीडीपी एमपी है और मेरे को जीडीपी एफसी निकालना है, हाउ डू आई डू दिस, जीडीपी एमपी बताओ क्या होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहां पे फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर जीडीपी एफसी है और एनडीपी एफसी निकालना है, बताओ फास्ट, जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और लास्ट बच्चों जीडीपी एफसी है आपके पास और एनएनपी एफसी निकालना है, एनडीपी एफसी है आपके पास, तो कैसे करोगे, प्लस एनएफआई। सो अगर तीन फॉर्मुलेस पता है तो आगे सिर्फ खेल ही खेलना है, बस वो इधर उधर आपको इक्वेशन में एडजस्ट करके कैसे निकालना है वो आपको आ जाएगा, नथिंग डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दो फॉर्मुलेस, पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हो, पर कैपिटल इनकम का मीनिंग बताओ,
पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, इंडिया में एक पर्सन की कमाई कितनी है साल भर की, उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? वेरी सिंपल, हमें जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन करना है, डिवाइड करना है पॉपुलेशन से। तो समझेगा कि कंट्री में हर पर्सन की हालत क्या है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इंडिया जैसे देश के लिए एकदम इररिलेवेंट सा नंबर है। रीजन ये है कि इंडिया में अमीर लोग इतने अमीर है और गरीब लोग इतने गरीब है कि वो एवरेज नंबर का कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम हम लोग निकाल रहे हैं, बट अगेन ये सिर्फ थियोरी में कॉन्सेप्ट यूज होता है। प्रैक्टिकली इंडिया के लिए दूसरे नंबर्स का रेलेवेंस ज्यादा है, जीडीपी को उतना कोई इंपॉर्टेंस, पर कैपिटा इनकम को उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, राइट। चलो, हैविंग सेड दिस, अभी मैं आपको दो चीजें और बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। पर्सनल इनकम एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सिंपल अगर इसको मैं करूं तो पर्सनल इनकम मतलब क्या, हम जैसे लोगों के हाथ में जितना पैसा होता है स्पेंड करने के लिए बिफोर टैक्सेस, इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम, ठीक है। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो वो मेरा पर्सनल इनकम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मैं स्पेंड कर सकता हूँ। जो भी पैसा आपके हाथ में है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो, करने लायक का पैसा है स्पेंड, उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? पर्सनल इनकम मतलब आपकी कमाई होगी, उसमें अगर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया तो जो भी बैलेंसिंग नंबर, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल एग्जांपल, 10 लाख कमाया, 2 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बचा कितना? 8 लाख। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितना हो जाएगा? 8 लाख, ठीक है। अच्छा, पर्सनल इनकम कैसे निकालना है? सिंपल फॉर्मूला है, पहले तो नेशनल इनकम को बेस पकड़ लो। पहले क्या करना है? नेशनल इनकम को बेस पकड़ लो, इसमें ऐड करो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी करोगे, मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया तो मेरे पर्सनल इनकम पे इसका क्या असर होगा? पर्सनल इनकम में कंसिडर करूं या नहीं करूं? अगर आपको लॉजिक पता है पर्सनल इनकम क्या होता है तो आप हाँ या ना बराबर बोलोगे, कंसिडर करना है। क्यों? पर्सनल इनकम का मीनिंग है जितना आपके हाथ में पैसा है खर्च करने के लिए। अगर मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है तो मेरे पास तो मेरी जेब में ज्यादा पैसे हो जाएंगे, मैं खर्च कर सकता हूँ, पर्सनल इनकम में ऐड करना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या बताएं, नेशनल इनकम में तो हमने गिफ्ट को इग्नोर कर दिया, तो नेशनल इनकम में गिफ्ट आया नहीं है, तो अलग से मेरे को जोड़ना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस। इसलिए क्या कर रहा हूँ, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न ऐड करो। सारे ट्रांसफर पेमेंट्स इधर आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में तो आए नहीं है, बट पर्सनल इनकम कैलकुलेशन के टाइम पे आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उस चक्कर में आपके जेब में पैसा बढ़ रहा है खर्च करने के लिए, ठीक है। लेस करो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बच्चों किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो नेशनल इनकम में आएगा, बट अगर वो कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं, लोगों को हाथ में पैसे नहीं मिलेगा, है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया लोगों के हाथ में, वो पैसा गया ही नहीं, लोग खर्च कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो पैसा लोगों के हाथ में आया नहीं खर्च करने के लिए, वो माइनस करो, और जो पैसा लोगों के हाथ में आया है खर्च करने के लिए, उसको ऐड करना है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट पर्सनल इनकम? सिंपल फॉर्मूला, नेशनल इनकम, उसमें ऐड करो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, लेस करो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। वी हैव टू फोकस ऑन द मनी विच आर विच वी आर रिसीविंग। पैसा आया तो ऐड करना है, पैसा आया नहीं तो माइनस कर दो, सिंपल है फंडा, राइट। बच्चों इस हिसाब से पर्सनल इनकम निकलता है। पर्सनल इनकम आ गया तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालोगे? टैक्सेस माइनस करना है, पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस कर दो तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा, इजी है, राइट। चलो बच्चों ये अगर हो गया है तो इसके बाद में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है इस यूनिट में एक्चुअली, वो ये है कि आपको 3 अलग अलग मेथड्स को यूज करके नेशनल इनकम निकालना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? प्रोडक्शन मेथड, उसके बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम है? वैल्यू एडेड मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या बोलते हैं बताएं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये मेथड बोलता है इंडिया को 3 सेक्टर में डिवाइड करो। 3 सेक्टर्स कौन से? अपने कंट्री के कोई भी बिजनेस को हम लोग ये 3 सेक्टर में कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है जो कुछ ना कुछ फैक्ट्री में बना रहा है, और टर्शरी में सर्विसेज। हम लोगों का काम किसमें आएगा? कोचिंग इंडस्ट्री किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में आएगा, राइट। चलो बच्चों ये तीनों सेक्टर का क्या करना है आपको, तीनों भी सेक्टर का जीडीपी निकालो। क्या निकालोगे? अच्छा एक चीज थोड़ा क्लियर करता हूं, अगर जीडीपी आ गया तो जीडीपी से नेशनल इनकम तक आप आसानी से जा सकते हो। कैसे? अभी वही तो सीखा था थोड़ी देर पहले। जीडीपी से आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एंड एफसी। तो जीडीपी से नेशनल इनकम तक आप आराम से जा सकते हो। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 पे, स्टेप 3 ऑलरेडी हो चुका है।
बन गया, तीनों सेक्टर का जीडीपी निकालो। ठीक है, जीडीपी कैसे निकालोगे? जीडीपी मतलब जीवीपी होता है, दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ जीवीपी लिखा है, जीवीपी इज नथिंग बट जीडीपी। हर सेक्टर का जीडीपी निकालना है। कैसे निकालना है? अगेन आउटपुट का वैल्यू देखो, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू देखो और ये हटाना है। मतलब क्या है बच्चों, अगर सपोज इमेजिन करो मैं ब्रेड सेल कर रहा हूँ, बट ब्रेड बेचने के पहले मैंने वीट परचेस किया था, तो वीट के कॉस्ट को माइनस करेंगे क्योंकि मेरा खर्चा है। आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन को कंसिडर करना है। ठीक है, एक चीज और, चीज को बनाना इंपॉर्टेंट है बेचना? बनाना। अगर आपकी चीज नहीं बिके तो भी उसको आपको कंसिडर करना चाहिए। सोल्ड है अगर गुड्स तो भी कंसिडर करो, अनसोल्ड गुड्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और ये माइनस क्यों करे? अगर मैंने जो कॉस्ट इनकर किया वो माइनस क्यों करना है? डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। सिर्फ वैल्यू एडिशन का टोटल करना है। ऐसे कितने सेक्टर्स का करना है? तीन सेक्टर्स का। कौन से तीन सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबका एडिशन करोगे तो आपको जीवीए यानी कि जीडीपी मिलेगा, और जीडीपी से एनएनपीएफसी आपको पता है कैसे करते हैं, सेम वही लिखा है। देख लो, एक एक से आगे बढ़ रहे हैं। यू नो वेरी वेल हाउ टू डू दिस इफ यू रिमेंबर दोस थ्री फॉर्मुलेस। कौन से तीन फॉर्मुलेस? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट मेथड बहुत ईजी था, कुछ दम नहीं इसके अंदर। सेकेंड मेथड का नाम है इनकम मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है? इनकम मेथड, राइट। बच्चों इनकम मेथड में आपको ये जो निकालना होता है ना एनएनपीएफसी, इसको कैसे निकालोगे? एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना है ना। व्हाट इज एनडीपीएफसी? बता रहा हूं, सुनो। जब भी फैक्टर कॉस्ट आप पढ़ते हो ना, इसका मीनिंग क्या पता है? फैक्टर कॉस्ट मतलब लोग जिस हिसाब से इनकम को कमाते हैं उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, लोगों को पैसा कमाना है तो उसके चार बेसिक तरीके, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अंडरस्टैंड, फैक्टर कॉस्ट अगर हम लोग निकाल लेना एनडीपीएफसी, पहले बोलो एनडीपी फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। अच्छा चलो, आपको लग गया, मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, GDP@FC, ये क्या है? आई एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट। ठीक है बच्चों, देख लो अच्छे से। GDP@FC, GDP मतलब इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, इंडिया में लोगों की कमाई कैसी है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब लोगों की कमाई होगी। ठीक है, लोग कमाते हैं चार अलग अलग प्रोडक्शन के फैक्टर्स से। ठीक है, व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बोलो, लैंड से लोगों की कमाई क्या है? रेंट। लेबर से? वेजेस। कैपिटल से? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। इसके अलावा हमें मिक्स्ड इनकम भी ऐड करना होगा। मिक्स्ड इनकम मतलब जो आपने प्रोड्यूस किया है बट अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, उसको बेच नहीं रहे हो आप। ठीक है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। ये सब ऐड कर दिया, अलग से ऐड करो, ग्रॉस बोलने के बाद डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन करना। अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आता है तो जल्दी से बताओ, अगर मेरे को एनडीपीएफसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा, खत्म। एनडीपीएफसी यहां पे वही लिखा है, देख लो। ठीक है बच्चों, एनडीपीएफसी कैसे निकाला है? एम्प्लॉइज कंपनी मतलब क्या है? वेजेस। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, सब ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं किया क्योंकि नेट है। प्लस एनएफआई करोगे तो आपको आएगा एनएनपीएफसी। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। एंड ऑफ द स्टोरी। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। और लास्ट कौन सा होगा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है? जो भी आप खर्चे करते हो वो सब ऐड करना है। ठीक है, खर्चों के दो बेसिक टाइप होते हैं, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का खर्चा क्या होता है? जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा है। और इन्वेस्टमेंट का खर्चा? जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, राइट? अंडरस्टैंड, देख लो यहां लिखा नीचे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंजम्पशन के खर्चों को ऐड करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट के खर्चों को भी ऐड करते हैं, और हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बताया जाए तो कंजम्पशन के लिए सी अल्फाबेट यूज होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आए प्लस गवर्नमेंट के खर्चों के लिए जी अल्फाबेट यूज होता है, और एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग एक्स माइनस एम करते हैं। आपका जीडीपी अगर निकल गया तो जीडीपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी निकालना है। ऑलरेडी तीसरी बार रिपीट हो रही है रिवीजन के सेशन में, जीडीपी से एनएनपी, सबको पता है कैसे निकालना है। दिस इज दी थर्ड मेथड। ठीक है, मोटा मोटी चैप्टर में यही कहानी है और कुछ भी नहीं है, राइट? ठीक है, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स।
ऑब्वियसली रिविजन लेक्चर सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों, आपको अलग से पढ़ना ही है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रिविजन लेक्चर्स क्यों होते हैं, सिर्फ अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो और आप भूल गए थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा वार्म अप की जरूरत होती है, तो आप एक बार वीडियो प्ले करके देख लोगे 2x पे 1.5x पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, राइट। सो दिस इज द क्रक्स, ये यूनिट 1 का शॉर्ट रिविजन है बच्चों। यूनिट 2 जो है ना, इसमें खास चीज क्या है, यूनिट 2 में लॉर्ड केन्स प्रकट होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या बोला, हम लोग जल्दी से यूनिट 2 को भी रिवाइज करते हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 2, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत इजी यूनिट है, भी एकदम टेक्निकल है बेसिकली। चलो बच्चों, यहां पे ना हम लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। वी कैन से कि ये यूनिट 2 के बेसिकली 2-3 पार्ट है अलग अलग, ठीक है। एक पार्ट में एग्रीगेट डिमांड को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में सर्कुलर फ्लो को सीखेंगे, और तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम के कॉन्सेप्ट को। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, राइट, ठीक है। पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड क्या है थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों। लॉर्ड केन्स ने ऐसा बोला था कि कंट्री में अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड दो चीजों की वजह से होता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन जो हमने लेक्चर में इसके पहले डिस्कस किया था। सी मतलब कंजम्पशन का खर्चा और आई मतलब इन्वेस्टमेंट का खर्चा। कंजम्पशन मतलब मीनिंग बताओ, फॉर्मूला नहीं, कंजम्पशन का मीनिंग क्या है? वो खर्चा जिससे आपका एसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। गाड़ी खरीदा तो इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी में पेट्रोल भराया तो कंजम्पशन, ठीक है। घर को पेंट कराया तो कंजम्पशन, घर ही खरीद लिया तो इन्वेस्टमेंट है, राइट। अंडरस्टैंड, लॉर्ड केन्स बोलते हैं शॉर्ट रन में आपका कंजम्पशन का ही खर्चा आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इन्वेस्टमेंट मोर और लेस इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोग हर साल गाड़ी थोड़ा ना खरीदेंगे यार, बट हर बार हमें डीजल तो भराना पड़ेगा, राइट। सो इन दैट सेंस आय के ऊपर बार ड्रॉ किया है, बार मतलब ये कॉन्स्टेंट एज्यूम किया है, क्या एज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट। तो मेन फोकस किस पे, सिर्फ सी पे। जब भी हम लोग खर्चा करते हैं तो खर्चों के दो टाइप्स है, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड, ठीक है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मतलब क्या, दिस इज कंपल्सरी वाला खर्चा, ठीक है। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, दिस इज इनकम इन इलास्टिक। आप पैसा ज्यादा कमाओ चाहे कम ना हो, कुछ खर्चे करने ही पड़ते हैं। इनफैक्ट आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर लोग अनएम्प्लॉयड है तो भी उनके कुछ खर्चे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। लोग अगर बेरोजगार है तो भी खर्चे तो करना ही पड़ेगा खाने पीने की चीजों पे, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। इनकम जीरो है फिर भी खर्चा हो रहा है, पैसा कहां से लाया, किसी से मांग के ला रहा है, ठीक है, लोन ले रहा है, उधारी से ले रहा है पैसा, राइट। इंड्यूस्ड मतलब क्या, इनकम जितना बढ़ेगा कुछ खर्चे उसके हिसाब से चेंज होते हैं, इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई ब्रांडेड शर्ट परचेस कर रहा है, दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, राइट, ठीक है। चलो बच्चों, यहां पे एग्जैक्टली वही लिखा है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मेरे हिसाब से शॉर्ट में बताता हूं, फिर यहां पे आके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। सी यानी कि पहले बोलो एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, विच इज इक्वल टू सी प्लस आई, के ऊपर क्या है बार, कॉन्स्टेंट है। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन। सी का फॉर्मूला ए प्लस बी वाई, ठीक है। ए क्या है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, और बच्चों वाई आपका इनकम होता है, बट आपका इनकम का पूरा खर्चा नहीं करते हो आप, ठीक है, कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप खर्चा करते हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं बी। बी इज नथिंग बट स्लोप, बी को क्या बोलना है, स्लोप। बी स्लोप कहां से हो गया, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस नेचर का है, तो बी क्या हो गया उस हिसाब से, स्लोप, ठीक है। बी को बोलते हैं स्लोप, या फिर बी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पूरा बता देता हूं यहीं पे। एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कुछ पैसे कमाए हैं तो पूरा पैसा खर्च नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया है तो एक रुपया एक्स्ट्रा कमाई में कितना एक्स्ट्रा आप खर्चा कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी। फिर से एमपीसी का मीनिंग किसी को बताना है तो कैसे बताओगे, एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, दैट इज एमपीसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीसी, ठीक है। अच्छा बच्चों, एमपीसी को हम लोग किस तरीके से निकलते हैं, अगर मैंने एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो एक्स्ट्रा कितना खर्च कर रहा हूं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वाई मतलब आपका इनकम है,
एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एमपीसी। से इमेजिन करो एमपीसी 0.7, इसका मीनिंग क्या है, एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो मैंने 0.7 एक्स्ट्रा खर्च किया, एक्स्ट्रा इनकम का 70% खर्च कर रहा हूं, दैट इज माय एमपीसी। सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब भी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ, देख लो अच्छे से। ग्राफ ड्रॉ करते समय हमने यहां क्या किया है, यहां लिखा है कंजम्पशन, यहां लिखा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो आपका इनकम जीरो होगा। अगर आपका इनकम जीरो तो कंजम्पशन भी जीरो होता है ना। इनकम जीरो है तो भी खर्चे होते हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों के भी खर्चे होते हैं। वो पर्सन जो भीख मांगता है, जिसका इनकम ही कुछ नहीं है, वो भी खर्चा करता है, खर्चा तो हर एक का होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग है ना, इसलिए यहाँ पे इनकम अगर आपका जीरो है तो भी खर्चे हो रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद जैसे इनकम बढ़ेगा खर्चे भी बढ़ेंगे, रिलेशनशिप डायरेक्ट, ग्राफ कैसे आएगा अपवर्ड स्लोपिंग। बट ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है, पक्का 100%। अच्छा एक चीज और आपको पूछता हूं, सपोज मेरे को इनकम का ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पे सपोज मैं इनकम लिख रहा हूं और यहां क्या है एम्प्लॉयमेंट, बताओ एम्प्लॉयमेंट और इनकम का रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का रिलेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो इनकम, जॉब ही नहीं तो इनकम का है का जीरो, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम भी जीरो होगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपने देश में बढ़ेगा, लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज माय वाई, वाई मतलब इनकम, इनकम का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस सेविंग को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल इनकम आएगा ना, ठीक है। जितना कमाया उसमें से खर्च करूंगा या तो सेव करूंगा, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाई आ गया। सही है, पक्का 100%। फ्यू पॉइंट्स आई वांट टू ऐड, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं आपको, फिर से सुन लो। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, बार क्यों है कॉन्स्टेंट है। सी का फॉर्मूला ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, ए इज ऑटोनोमस कॉन्स्टेंट होता है, बी इज स्लोप यानी कि एमपीसी, वाई इज इनकम, बी पे आते हैं, बी इज एमपीसी और स्लोप, फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एक रुपए एक्स्ट्रा का मैं तो कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, अंडरस्टैंड बच्चों। एमपीसी का एक भाई है एमपीएस, अगर मैं एक रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, एक रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा हूं तो उसमें से जितना मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, सपोज 0.7 खर्च कर दिया तो ये क्या हो गया मेरा एमपीसी। अगर मैं एक रुपया एक्स्ट्रा कमा के 0.7 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं तो 0.7 एमपीसी है, तो बचा कितना यार, ये 0.3 है सेविंग्स, दिस इज कॉल्ड एज एमपीएस। इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म एमपीएस का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक एक्स्ट्रा कमाने पे एक्स्ट्रा सेव कितना करते हो, ठीक है। दोनों का टोटल ऑब्वियसली वन होगा, क्योंकि वन का ही बाइफर्केशन कर रहे हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, राइट, ठीक है बच्चों। एमपीसी एमपीएस समझा, तो एपीसी और एपीएस भी बता देता हूं। एपीसी का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सुन लो उसका मीनिंग क्या है। अगर मैंने एक रुपया एवरेज कमाया, एक्स्ट्रा नहीं एवरेज, ठीक है, अगर मैंने सपोज एक रुपया एक्स्ट्रा कमाया तो उसमें मैं खर्चा कितना करो, दिस इज कॉल्ड एज एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला इज सी बाय वाई, नॉट डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर सपोज इमेजिन करो कि कोई पर्सन है वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, उसमें से उसका 8,000 खर्च हो गया, तो इसका मतलब क्या, कितना रहे 0.8 अपॉन 1 कर दो, मतलब एक रुपया अगर एवरेज कमा रहा है तो एवरेज खर्चा कितना होगा 0.8, ठीक है। सेव कितना कर रहा है, मतलब अगर सपोज से उसका सेविंग अपॉन इनकम निकालते, बोलो 10,000 में से 8,000 खर्च हो गया, सेव कितना हो गया 2,000, कितना आएगा 10,000, ये कितना आएगा 0.2। 0.2 का मीनिंग क्या है, एक रुपया कमाया एवरेज, तो एवरेज बेसिस पे 0.2 सेव कर रहा है। कैन वी ऑल्सो से एपीसी प्लस एपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। एमपीसी प्लस एमपीएस 1, एपीसी प्लस एपीएस 1, इज इट क्लियर, पक्का 100% राइट। एक चीज और बता रहा हूं, सुनो लॉर्ड केन्स ने क्या बोला। लॉर्ड केन्स ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, गिन के वो ऑब्जर्वेशन को समराइज करके 3 पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है। कौन से 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट, अगर आपका इनकम बढ़ेगा
अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है. इज इट ट्रू? इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है लॉर्ड केन्स का. सेकेंड पॉइंट लॉर्ड केन्स बोलते हैं, देखो भाई अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा. सही है क्या? अमीर लोग ज्यादा सेव कर पाते हैं क्योंकि पैसा बहुत कमा ले तो बच्चा को तो सेव ही होगा, है ना. अच्छा, अमीर लोग को खर्च भी ज्यादा कर सकते हैं, बराबर. ओके बच्चों, मेरे को मत देखो प्लीज, अमीर लोगों की बात चल रही है. इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम ज्यादा तो सेविंग्स भी ज्यादा. उन्होंने थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला. लॉर्ड केन्स बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन का इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग्स भी बढ़ेगा, बट प्रोपोर्शनेटली सेविंग्स कुछ ज्यादा स्पीड से बढ़ता है. पीपल टेंड टू सेव मोर एज दे अर्न मोर. ठीक है, जब भी वो ज्यादा पैसे कमाते हैं तो उनके खर्चे तो पूरे हो जाते हैं, बचा कुछ सब सेविंग ही सेविंग होता है. ठीक है, तो किसका स्पीड ज्यादा है? हाँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस. ठीक है, यानी कि एमपीएस इंक्रीज होगा अगर लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं तो. किसका बोलना है? लॉर्ड केन्स का. और ये लॉ को बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. शॉर्ट में बता रहा हूं, लॉ वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ ग्राफ बता रहा हूं, दैट्स इट. ठीक है, ग्राफ क्यों बता रहा हूं? ग्राफ से आपको थोड़ा सा ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं मैं अच्छे से. ठीक है, सो बच्चों देख लो, यहां ऑलरेडी लिखा है सेम चीज, आ जाओ ये समझ रहे आपको. देखो ठीक है, ये मैंने क्या क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, आपको सारे ग्राफ्स पहले से पता है बच्चों, मैं आपको सिर्फ यहाँ हाईलाइट करके बता रहा हूँ. ठीक है, सी जस्ट कंफर्म इफ यू नो एवरीथिंग. ओके, हमने कहाँ पे क्या लिखा? कंजम्पशन लिखा, यहाँ लिखा इनकम. ठीक है, अच्छा बच्चों अगर मेरे को कंजम्पशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये मैं ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? रीजन जल्दी से बताओ. ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से ओरिजिन से ड्रॉ नहीं करना है, ऊपर से ड्रॉ करना है. इनकम ज्यादा तो खर्चे ज्यादा, रिलेशनशिप डायरेक्ट. ग्राफ कैसे आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई इज ऑटोनॉमस, बी इज स्लोप यानी कि एमपीएस, एंड वाई इज इनकम. अगर सपोज यहां पे सपोज से इनकम लिखो, यहां पे क्या लिखो? इनकम. और यहां पे एम्प्लॉयमेंट लिखो. ठीक है, बताओ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो इनकम भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा. दैट्स व्हाई कैन वी से कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा इनकम का तो ये ओरिजिन से स्टार्ट करना है ना. ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करना है भाई? क्योंकि ये जीरो है तो ये भी जीरो ही है ना. दैट्स व्हाई ये यहां से स्टार्ट होगा. दिस इज व्हाट, दिस इज माय वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. ठीक है, अच्छा जहां पे आपका इनकम आपने कितना कमाया है और जहां पे आपका खर्चा मैच होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन. क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन. ब्रेक इवन के पहले डिस सेविंग होता है, उसके बाद सेविंग होता है. बेसिकली ब्रेक इवन के पहले आप देख सकते हो आपका कंजम्पशन खर्चे का लाइन येलो कलर का लाइन ज्यादा है और आपकी कमाई ब्लू कलर की लाइन कम है. खर्चा ज्यादा. खर्चा मतलब कौन सी लाइन को देख रहे हो? येलो कलर की लाइन को देखो. खर्चा ज्यादा है क्या बी के पहले? खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो क्या है ये? डिस सेविंग. अच्छा ये पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए और इस पॉइंट के आगे आपका इनकम ब्लू कलर का लाइन ज्यादा है और खर्चा येलो कलर का लाइन कम है, मतलब ये सब क्या हो गया? सेविंग ही सेविंग है. और सेविंग बढ़ते जा रहे, गैप और वाइड होता जाएगा. किसने बोला है? लॉर्ड केन्स ने. ठीक है, अगर आपको यहां पे सेविंग्स फंक्शन ड्रॉ करने के लिए कोई बोलता है, बहुत ही सिंपल है. ब्रेक इवन के पहले तो सेविंग हुआ ही नहीं है तो सेविंग निगेटिव हो गया, ब्रेक इवन पे सेविंग जीरो हो गया और ब्रेक इवन के बाद में सेविंग पॉजिटिव हो गया. ठीक है, कैन यू सी दिस एंड कंफर्म वॉट एवर आई एम सीइंग? देख लो अच्छे से. ब्रेक इवन के पहले सेविंग्स क्या है? है ही नहीं, डिस सेविंग है, निगेटिव जोन में. ब्रेक इवन पे जीरो हो गया और ब्रेक इवन के बाद में सेविंग्स पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया. क्लियर है? खत्म. लॉर्ड केन्स की स्टोरी खत्म. ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड क्या है? सेकेंड है सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो के टोटल चार सर्कुलर फ्लो हमें सीखना है. ठीक है, बहुत इजी है, सबसे फर्स्ट पॉइंट बात है. ऑलराइट बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में सबसे फर्स्ट जो यहां लिखा है वो है टू सेक्टर मॉडल. क्या लिखा है? टू सेक्टर मॉडल. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले अजम्पशन ये किया है कि हम लोग क्लोज इकोनॉमी में है और हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मतलब क्लोज इकोनॉमी भी है और बैंक है ही नहीं पिक्चर में. सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे आसान बेसिक स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है. ठीक है, कोई भी जल्दी से बता दो क्लोज इकोनॉमी क्या है?
ऐसा देश जो इंपोर्ट भी नहीं करता है, एक्सपोर्ट भी नहीं करता है, उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी कंट्री क्लोज इकोनॉमी नहीं है, बट ये एग्जाम्पल हमने सिर्फ लिया है थोड़ा सिंपल वे में स्टार्ट करने के लिए। क्लोज इकोनॉमी अज्यूम कर लो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक भी नहीं है, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, कोई देश में बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, ऐसा इमेजिन करो। सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर है, दो ही सेक्टर्स है, कौन से दो सेक्टर, हाउस होल्ड एंड बिजनेस। बच्चों हाउस होल्ड और बिजनेस ये दो सेक्टर है, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, दो एग्जांपल्स फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पे जो पहले आपको ओरिजिनल सेशन में बताया था, ठीक है। मिस्टर नाम का एक पर्सन है और बिजनेस में ITC हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मिस्टर ए ITC लिमिटेड के पास जॉब करता है, ठीक है, रोज जाता है वहां पे काम करता है और एक महीने में 1,00,000 रुपए उसने कमाया, ठीक है। ये एग्जांपल को अगर हम लोग ये फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करें तो मिस्टर ए ITC को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, ITC को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। सिंपल चीज फिर से बताओ जल्दी से, कोई भी बिजनेस को अगर बिजनेस करना है तो कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, चार, कौन से चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। मिस्टर ने क्या दिया ऐसा चार में से, लेबर, ठीक है। तो लेबर क्या हो गया, फैक्टर सर्विसेज, कौन दे रहा है लेबर, ए, किसको, ITC को। कोई भी ऐसी फ्री में काम करेगा क्या, पैसे मिलेंगे, तो पैसे जो मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अपने एग्जाम्पल में वेजेस मिल रहे हैं कितने, 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 किसने किसको दिया, बिजनेस ने हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के जेब में कितना है, 1,00,000। हाउस होल्ड क्या करेगा, खर्च है, सपोज हाउस होल्ड ने खर्च कर दिया, हाउस होल्ड जाता है डीमार्ट में या PVR, गोली वड़ा पाओ, BCA, डोमिनोज, पूरे बोल दे खाने पीने की चीजें, चलो आ जाओ, क्या बता रहे हो बच्चों। अगर हाउस होल्ड जाता है बिजनेस के पास और वो खर्च करता है, मतलब बेसिकली अगर सपोज डीमार्ट जा रहा है तो सामान खरीदेगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज डीमार्ट इसको दे रहा है, तो इसने क्या किया, इसने एक्सपेंसेस किया गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब हाउस होल्ड की वजह से बिजनेस चलता है और बिजनेस पैसा कमा रहा है, तभी तो जॉब क्रिएट करके हाउस होल्ड को जॉब देगा, तो दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इस तरीके से पैसा सिर्फ फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो। कौन सा सेक्टर है, टू सेक्टर मॉडल। इसमें क्या अजम्पशन किया है, दो, एक तो क्लोज इकोनॉमी है, दूसरा बैंक ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, बैंक को पिक्चर में लेके आते हैं, क्या करते हैं, बैंक को पिक्चर में लेके आते हैं। अगर मैं बैंक को पिक्चर में लेके आऊंगा तो सेंटर में बैंक लिख दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल जो था अपना उसमें मिस्टर ए ने ITC को जो सर्विस देते हैं, ITC ने इसको कितना दिया, 1,00,000। प्रैक्टिकली जो भी पर्सन पूरे पैसे कमाते तो पूरे खर्च कर देता है क्या, नहीं, सेव करेगा। सपोज इमेजिन करो ये मिस्टर ए ने 1,00,000 में से 60,000 रुपए खर्च किए, तो 40,000 क्या है, सेविंग्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेविंग्स, इतना क्यों सोचना है, इनकम माइनस कंजम्पशन, वाई माइनस सी, बापरे इतना सोच रहे हो, ज्यादा एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो बच्चों, सेविंग्स कितना है, 40,000, ठीक है, ओके। अब देख लो यहाँ क्या, ध्यान दे रे वड़ा पाओ, ध्यान दे क्या लिखा यहाँ पे, 1,00,000 में से 60,000 गया, 40,000 बच गया, 40,000 जो सेव करे बैंक में जाएगा, बैंक में जमा करेगा, बैंक यही पैसा लोन के फॉर्म में बिजनेस को देगी, ठीक है। तो बैंक के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड से, बिजनेस भी देता है, ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड ही देता है सिर्फ, बट एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं, सेविंग्स का पैसा बैंक में गया और बैंक ने वही पैसा लोन के फॉर्म में बिजनेस को दिया जहां से इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इस हिसाब से पूरा सर्कुलर फ्लो चलते रहता है, बराबर, ठीक है। ये भी क्या है, टू सेक्टर मॉडल ही है, बट यहाँ पे क्या किया, बैंक को ऐड किया बस, ठीक है। थ्री सेक्टर मॉडल में कौन आ जाएगा, और गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। बच्चों गवर्नमेंट आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट को भी इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड टेल मी, गवर्नमेंट का हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट का बिजनेस से और गवर्नमेंट का बैंक से हम लोग टू वे फ्लो डिसाइड करते हैं, राइट। बताओ सोच समझ के बताना, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, बस ये दो इमेजिन करो, देखो मत यहाँ पे, ऐसी बताने की कोशिश करना, गवर्नमेंट वर्सेस हाउस होल्ड, हम जैसे लोग, ठीक है, हमें गवर्नमेंट क्या देती है और हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, पहले ये बताओ हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस, ये हमारे तरफ से गवर्नमेंट को पैसा गया, गवर्नमेंट हमें रिटर्न में क्या देती है, गवर्नमेंट हमें देती है बहुत सारा बेनिफिट, जैसे कि रोड डैम्स बनाती है, ट्रांसफर पेमेंट भी होता है, राइट। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट हमें देती है, बराबर, गवर्नमेंट हमारा सोशल सिक्योरिटी देखती है, तो गवर्नमेंट हम पे खर्चा कर रही है, राइट।
तो ये टू वे हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट और बिजनेस का कनेक्शन बताओ। बिजनेस गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्सेस। और गवर्नमेंट बिजनेस को सब्सिडीज देती है। तो इनका ये टू वे कनेक्शन हो गया। गवर्नमेंट और बैंक का बताओ। बैंक मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंक आरबीआई होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी पैसे कमाती है आरबीआई को देती है, आरबीआई गवर्नमेंट का पैसा सेव करता है। और अगर सपोज आरबीआई को पैसा देना है तो आरबीआई लोन देती है गवर्नमेंट को। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है गवर्नमेंट लोन ले लेती है आरबीआई से, सही है। तो आरबीआई से गवर्नमेंट को पैसा जाता भी है और गवर्नमेंट से आरबीआई को पैसा मिलता भी है। तो ये है टू वे फ्लो। खत्म होगी कहानी, है ना, ठीक है। अच्छा, ये अभी क्या होता है? थ्री सेक्टर मॉडल। अभी क्या होता है आपको? दिस इज योर थ्री सेक्टर मॉडल। अच्छा, थ्री सेक्टर मॉडल में बच्चों एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आपको कंजम्पशन का ग्राफ याद है कैसा होता है? तीन बार बता रहा हूं इस लेक्चर में। अपवर्ड स्लोपिंग इनकम्प्लीट आंसर हो गया ना? ऐसा बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल अबाव ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन को गैप रख के फिर उसको ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं, सही। अपवर्ड स्लोपिंग है बट ऑटोनोमस कंजम्पशन के लेवल के ऊपर। कैन वी से इट इज समथिंग लाइक दिस? देख लो अच्छे से, ऐसा कुछ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज व्हाट योर, दिस इज योर सी, ठीक है। अच्छा बच्चों, सी प्लस आई कैसा होगा? आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आई इज इन्वेस्टमेंट नॉट इनकम। सी प्लस आई, सी प्लस आई, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट भी आ गई है तो सी प्लस आई प्लस जी और ऊपर आएगा। देखो यहां डॉ किया है, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, कंजम्पशन, थैंक यू, ठीक है। सी का फॉर्मूला ए प्लस बी वाई। ए इज ऑटोनॉमस, बी वाई इज इंड्यूस्ड, बी इज स्लोप, वाई इज इनकम। स्लोप इज एमपीसी, एमपी इज मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, विच इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सब पता तुमको, बहुत होशियार हो तुम लोग। कौन पढ़ा? सी प्लस आई। बच्चों आई इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के भी खर्चे होते हैं। तो सी प्लस आई मतलब ग्राफ और एक लेवल ऊपर हो जाएगा, इसलिए ऊपर ड्रॉ किया हम लोग, राइट। तो मतलब ये और ये दोनों ग्राफ में आई का डिफरेंस आ गया, बराबर। और गवर्नमेंट भी अभी एड हो गया, तो सी प्लस आई प्लस जी और भी ऊपर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग एक एक लेवल ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे जैसे एक एक सेक्टर एड हो रहा है, राइट। चलो, अगर ये थ्री सेक्टर मॉडल का ग्राफ समझ में आ गया, फोर सेक्टर मॉडल में फोर्थ सेक्टर कौन सा है? फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज करते हैं। अच्छा, बिफोर वी सी दी फ्लो चार्ट, उसका डायग्राम देखने के पहले आप लोग जल्दी से बता सकते हो क्या, एक्सपोर्ट का हाउसहोल्ड से क्या कनेक्शन है? इंडिया के लोग और दूसरे कंट्रीज को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ, इंडिया से बहुत ज्यादा मैन पावर दूसरे देश में जाता है। इंडिया के बहुत ज्यादा लोग दूसरे देश में जाकर सेटल हो चुके हैं। दुबई का 30% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स का है, राइट, इंडियन से वो भी, बराबर। अच्छा, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं क्या कि पैसा कमाते हैं? पैसा कमाने का तो इंडिया में रेमिट कर रहे हैं। तो ये टू वे हो गया। किंग का टू वे बताया, एक्सपोर्ट का और हाउसहोल्ड का, फॉरेन सेक्टर और हाउसहोल्ड का, राइट। बच्चों अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, बिजनेस का और फॉरेन सेक्टर का क्या कनेक्शन है? बिजनेस दूसरे देश से पैसा, दूसरे देश से गुड्स लेती भी है, इंपोर्ट भी करते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया दवाई एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, बट दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग चाइना से खरीदते हैं, एपीआई चाइना से खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन हो गया, सिंपल। इसको यहां फिट करना है, खत्म। कहां फिट करोगे? फोर सेक्टर मॉडल में आपको फिट करना है। इट इज गिवन हियर, देख लो अच्छे से, है क्या, ठीक है। यहां पे क्या गया? फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों का कनेक्शन अभी सीखा है, खत्म होगी कहानी। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो, सी का ग्राफ, सी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी प्लस आई उसके ऊपर, सी प्लस आई प्लस जी उसके ऊपर। तो ये एक्सपोर्ट के चक्कर में, इंडिया के केस में एक्सपोर्ट सेक्टर का निगेटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा जा रहा है और कम आ रहा है, तो एक्स माइनस एम निगेटिव है। इस चक्कर में वो ग्राफ नीचे आ जाएगा इंडिया का केस, ठीक है। और अगर सपोज कोई देश के एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो और ग्राफ ऊपर जाएगा। यहां पे ड्रॉ किया ऑलरेडी, देख लो अच्छे से। ये देखो, ये इंडिया का केस है, सी सी प्लस आई, सी प्लस आई प्लस जी ऊपर है, उसके नीचे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये जिस देश के एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये पूरे ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, है इजी, पक्का, ठीक है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीकेजेस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजेक्शन। लीकेजेस से क्या होता है?
लीकेजेस से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा इकोनॉमी में कम हो जाता है, इंजेक्शन से लोगों के हाथ में पैसा आता है, खर्च ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज जिससे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा है वो इंजेक्शन होता है, हर वो चीज जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम रहा है वो लीकेजेस होता है, सही है, ठीक है। बच्चों यहां पे सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया है अपना, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई एम कीपिंग दिस वेरी सिंपल, एकदम आसान भाषा में यहां पे शॉर्ट में बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एकदम टू द पॉइंट बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इनकम पे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, इनकम मल्टीप्लाई होता है। अगर गवर्नमेंट ने, सी इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, सपोज इसका असर इकोनॉमी पे ये हुआ कि अपने इकोनॉमी में इनकम 400 करोड़ से बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 times इनकम आपका हो गया है इन्वेस्टमेंट की वजह से, मतलब इन्वेस्टमेंट का 4 times हो गया आपका इनकम, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया? 100 करोड़, और कितना इनकम बढ़ गया? 400 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अल्फाबेट आए, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा है, इनकम के लिए अल्फाबेट वाई, इनकम एक्स्ट्रा आपका कितने से बढ़ गया? 400 करोड़ से एक्स्ट्रा आपका इनकम बढ़ गया, दिस इज डेल्टा वाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो के का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना किया? 100 करोड़, तो मेरा इनकम कितना हो गया? 400 करोड़, इट मीन्स मेरा इनकम कितने टाइम्स हो गया? 4 times, तो के कितना हो गया? 4, के इज 4, ठीक है। तो बच्चों के से मेरे को समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट का इनकम पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ऐसे कैसे हो रहा है यार, इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़, लोगों का इनकम 400 करोड़ हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, अगर सपोज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट से लोगों की इनकम 100 करोड़ हो गई रहेगी, जो भी खर्चा गवर्नमेंट करेगी 100 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट से पैसा निकला, तो किसी ने तो 100 करोड़ कमाया होगा, अलग अलग लोगों ने इंडिया में 100 करोड़ कमाया होगा एग्रीगेट। जब लोग कमाते हैं तो लोग खर्च भी करते हैं, तो जब लोग खर्च करेंगे तो खर्चा जो है किसी और का इनकम बनेगा, और वो लोग और खर्च करेंगे तो और किसी का इनकम बनेगा। ये चेन के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है, थोड़ा पुश करती है इकोनॉमी को, तो उसका इनकम पे बहुत डिटेल्ड असर होता है, इन्वेस्टमेंट का असर इनकम पे ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। और ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, सिंपल भाषा में आपको ये भी बता रहा हूं बच्चों कि इसके फॉर्मूले क्या क्या है। पहला तो एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बताया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। आपका इनकम कितना बढ़ गया इन्वेस्टमेंट की वजह से? 4 times हो अपने एग्जाम्पल में, राइट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसका, 1/MPS, वॉट इज MPS? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वेरी गुड। अच्छा, अगर MPS नहीं दिया, MPC है क्वेश्चन में, 1/MPC, सही है, खत्म, इजी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ोगे तो समझेगा, बट दिस इज द ओनली रेलेवेंट पॉइंट। रिविजन लेक्चर में हम लोग सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा बट रेलेवेंस हट जाएगा उसका, ठीक है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फटाफट रिविजन करके ही फिर चैप्टर को पढ़ना चाहिए, राइट?